लड़की देख सकते हो भाई, ये क्या कर रही है मेरी पतंग से? भाई मेरी पतंग फाड़ डालेगी लड़की। ये देखो पूरा मुंह ढक दिया, पतंग तो दिखा भाई, अपना मुंह तो दिखा, चेहरा तो दिखा तेरा। ये देखो ये लड़की, पागल लड़की, अभी चला रही है पतंग हमारी चाइना डोरी पे। ओके तो यार देखो, अरे फट जाएगी मेरी बहन, ऐसा मत कर यार, पतंग फाड़ रही है लड़की फोकट में। तो गाइस देख सकते हो मैंने पतंग चगा दी है और मेरे और प्रणव के बीच में लगने वाला है पेज। गाइस गाइस ये देख सकते हो, इसको रिया ने तोड़ दिया इस तरफ का पूरा। चल झूठी झूठी लड़की तू, यार गंदगी मत करा करो क्योंकि ये बहुत गलत बात है। ओके और गंदगी करने से हमारा ही नुकसान है क्योंकि जब गंदगी होगी तो हमें ही रहना पसंद नहीं होगा उसमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और यार देखो आज का व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अभी करीब 9 बज चुके हैं और स्कूल के लिए भी रेडी होना है और प्लस घर में सब साफ सफाई करनी है, देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रहा हूँ घर में। ओके तो हाय गाइस, अभी हम सुबह में मंदिर जा के आए हैं और ये अभी एक भी पतंग नहीं चगते चग रही उस तरफ, एक भी पतंग नहीं चग रही है। इस पागल को ना पूरे दिन फोन चाहिए होता है। अरे देख मस्ती मत कर, अभी बता रहा हूँ। ओके गाइस ये देखो कितनी घटिया हरकतें करते हैं इसके। वे अरे मत फेंकना यार प्लीज। गाइस देख सकते हो कितना है, परेशान कर रहा है मेरे को। छोड़ छोड़ गाइस, अरे इसके ही कपड़े। ये क्या करे तू, तूने अच्छा गाइस रिया ने मेरा नाश्ता भर दिया यार, देख सकते हो। तो दूसरा दूसरा भी भर दे गाइस, ये कितना घटिया है गाइस। रिया ने देख सकते हो मेरे लिए मस्त टिफिन भर दिया, नाश्ता होके डब्बा रेडी कर दिया है स्कूल का। तो चलो फटाफट से चलते हैं, मतलब स्कूल का टाइम तो हो रहा है अभी, तो आज जाना है साइकिल लेके। ओपन लो साइकिल लेके मस्त स्कूल जाएंगे। और अभी पूरा मतलब रेडी हो चुका हो, जैसे तो कपड़े वपड़े पहन लिए पूरा, तो चलो देखते हैं आपको कंटिन्यू। गाइस बाहर का नज़ारा देख सकते हो भैया, कुछ इस तरीके का नज़ारा है, हल्की हल्की सी धूप आ रही है बाहर की साइड। ओके भाई मस्त वाली धूप आ रही है, ये देखो ये पतंगे चगाने जा रहा है अभी। नहीं था तुम फिर कर लो जो। तो गाइस अभी फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ पूरी तरीके से। ओके तो आज तो साइकिल लेके जाना है, तो देखते और मेरे जूते कहाँ गए यार, तो यहाँ पे जूते पड़े हैं, तो चलो इन जूते को पहन लेंगे। रिया तू मेरे को धोखे नहीं देते जूते, देखो कितने गंदे हो गए। अबे लात लात मार रही है, ये जूते लगा दूं तेरे मुंह पे। नहीं धोने हैं मेरे को, स्कूल जाना है अभी। नहीं, छोड़ दे। हेलो गाइस, इस तरफ देख, इस तरफ देख, अबे इस तरफ देख। हेलो गाइस, देख सकते हो हमारी साइकिल वहां पे पड़ी है, ये काका की एक्टिवा। और चलो गाइस बैग तो रेडी हो चुका है, तो इसके अंदर ये डब्बा डालना होगा मेरे को टिफिन का। क्या है शांति रखी मिनट, तो यहाँ पे बैग तो भर चुका है, तो इसकी सारी चेन बनवाते हैं और ये पानी का बॉटल भरना है, चलो इसे भरते हैं। सो गाइस फाइनली ये भी रेडी हो चुका है बॉटल भी, तो चलो चेन बैन बंद करते हैं और चलते हैं स्कूल। गाइस ये देख सकते हो मुझे स्कूल जाना है और इसे पतंग चगाने जाना है, बिजी मैन। ये देख सकते हो ठीक है, गड़ी क्या है गाइस, देख सकते हो लाइटें वाइटें बंद कर दी है, तो अभी घर को भी ताला लगाते हो कि ये रहा हमारा ताला, तो ये इस तरह से लगेगा।
सो गाइस फाइनली अभी मैं निकल चुका हूँ स्कूल जाने के लिए, ओके सो अभी फाइनली स्कूल जा रहे हैं और रास्ते का व्यू देख सकते हो पीछे का कुछ इस तरीके का सीन है तब कहने ले। और हर बार इसी रास्ते पे जाना होता है, पर वन वीक के लिए हमें गाड़ी मिली थी और गाड़ी चली गई तो अभी वापस साइकिल लेके जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं तो चलो चलते हैं साइकिल ले बिना किसी झंझट के। चलो स्कूल पहुँच के मैं आपको मिलता हूँ। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यार, कुछ ही दिनों में मेरी आने वाली है बर्थडे, ओके तो बर्थडे के दिन कुछ मस्त प्लान करेंगे अपन लोग, ओके कुछ अच्छी चीज़ सोचेंगे तो वो आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाने वाला है कि बर्थडे के दिन हम लोग क्या नया करने वाले हैं इस बार, ओके तो पूरा ही डिफरेंट करेंगे, सबसे डिफरेंट, ओके तो बहुत मस्त सरप्राइज़ मैंने सोच के रखा है अपने लिए, तो पर्सनली मैं उनको फॉलो करने वाला हूँ और आप लोगों को बर्थडे के मतलब उसी ब्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं उस दिन क्या करने वाला हूँ, ओके ये तो जस्ट मैंने बता दिया आपको। और अभी फाइनल मैं स्कूल जा रहा हूँ तो स्कूल से जाने के बाद हम आपको मिलते हैं। इस फाइनली मैं स्कूल से छूट चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, सो चलो यार चलते हैं घर पे होम। गाइस देखो इस रास्ते से अभी मैं जा रहा हूँ नीचे के, ओके पिछले रास्ते से। तो गाइस यार देखो मैं अभी रास्ते से जा रहा हूँ घर पे, ओके तो अभी मैंने दूसरा रास्ता दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। पर गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, मतलब यार देखो मैं रास्ते से डेली इसी रास्ते से आता हूँ और यार इस रास्ते पे ना मुझे इतनी ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती है कि मैं क्या ही करूँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी होती है रास्ते में, इतना कूड़ा फैला हुआ होता है और यार ये कितना बुरा लगता है, ओके आप अपने घर को ही मतलब भारत देश हमारा घर ही है ना तो उसे क्यों बिगाड़ रहे हो आप लोग, तो उसे स्वच्छ रखा करो यार। और यार क्या ही कहे, देख सकते हो कितना कूड़ा है इस वाली तालाब में, मतलब यार ऐसा मत करो यार भाई, देखो आप पानी के अंदर कितना कूड़ा है, कितना घटिया लग रहा है यार ये सब चीज़, ओके तो यार गंदगी मत करा करो क्योंकि ये बहुत गलत बात है, ओके और गंदगी करने से हमारा ही नुकसान है क्योंकि जब गंदगी होगी तो हमें ही रहना पसंद नहीं होगा उसमें, इसलिए। ये देखो यहाँ पे सब जगह पे कितना कूड़ा है गाइस, ये देखो कोई साफ़ सफाई नहीं भाई, और ऐसे में ही हमें जाना पड़ता है, मतलब हमें ही तकलीफ होती ना उससे। तो गाइस अभी मैं स्कूल से तो आ चुका था, पर स्कूल से आने के बाद मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ और हाँ रिया और प्रणव अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं तो देखते हैं वो लोग कब तक आते, ओके तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और तब तक अभी मैं वीडियोस देख रहा था, ओके यूट्यूब पे, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चलो देखिए लाइट कर देते हैं यार सबसे पहली चीज़, ओके ये देख सकते हो घर का व्यू कुछ इस तरीके का है, पूरा मतलब बिखरा पड़ा है, यहाँ पे स्कूल से आने के बाद बैग भी वैसा का वैसा रख दिया था और यहाँ पे देख सकते हो सोफे की हालत क्या ही कर दी मैंने, ओके मैं आने के बाद थोड़ी देर आराम कर रहा था और कपड़े भी देख सकते हो भाई मेरे वैसे के वैसे कपड़े पड़े होते हैं यार, पैंट देख सकते हो भाई। सो गाइस देखो ये कैसी चीज़ है भाई, मतलब ये मटके में से मतलब इसमें से ना पानी आता है, ओके यहाँ से पानी आता है और वो पानी यहाँ से नीचे आता है, ओके तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मम्मी लाई थी, ओके बट यहाँ पे मोटर लगाना होता है नीचे में, जो मोटर है नहीं ख़राब हो गई है, तो कुछ इस तरीके का सीन है और इस तरीके का ये मस्त वाला शोपीस में रखने वाला है, ओके चीज़ ये देख सकते हो, मतलब हमें धागा मिल चुका है जो दोरा होता है ना तो पतंग चगाने के लिए होता है, तो भाई हमें मिल चुका है और दो दिन के बाद फाइनली उत्तरायण आने वाली है भैया। हेलो गाइस, ओए कचरा भैराज, हेलो गाइस आम देख तो करी गाइस, देख सकते हो प्रणव और रिया आ चुके हैं, ये क्या कर दिया टूट गया, ये देखो गाइस पूरा पट्टा तोड़ दिया भाई, बैग तोड़ दिया छिल गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हमारे पोपट क्या कर रहे हैं भाई, तो देख सकते हो यहाँ पे चार है अभी तो, और उस मटके के अंदर उसके बच्चे भी है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट 6 से 7 है पोपट हो गए हमारे पास, कितने थे भाई गाइस मैं बता रहा हूँ 3 थे, 3 से 6 से 7 हो गए भाई इतनी जल्दी, देख सकते हो भैया मैं आपको एकदम नज़दीक में दिखा देता हूँ, ये देखो कितने क्यूट दिख रहे हैं भाई, देख सकते हो ये फिरकी है और अभी मैं जा रहा हूँ पतंग को चगाने के लिए फाइनली, ओके उड़ाने के लिए, तो प्रणव की जो पतंग थी ना भाई मैं पतंग उड़ाऊँगा,
गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ये जो छोटा सा डाल है ना उसे चगाएंगे अपन लोगों के। तो चलो इस पतंग को चगाते हैं फटाफट से, और ये फिरकी भी अपने पास हो के, तो चलो चलते हैं। लब ओधी परसन ना जो सो गाइस अभी हम यहाँ से पतंग चगा रहे हैं मस्त वाली। नहीं तर पतंग चगावी से तो वैसे ये बाजू जती फिल बाजा पुराना जोड़ हाँ था यू भी नहीं आई रही ने अपने पतंग चगा दिए मस्तन। तो गाइस देख सकते हो मैंने पतंग चगा दी है और मेरे और प्रणव के बीच में लगने वाला है पेज। तो यहाँ पे नीनू देख सकते हो ले रही ले तू ब्लॉग बना ना आम बगल। हाय गाइस तो ये पतंग चला रहा है पनीर पतंग चला। गाइस देख सकते हो रिया ने मेरी किनार को तोड़ दिया। ओके अरे पहले वो तो बांधने दे किन्नार भाई, उसकी किन्नार नहीं बांधी हुई, इसे इसे कंप्लीट बांधना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा टूट चुका है यहाँ से। ओके तो इसे यहाँ पे बांधना पड़ेगा फिर पतंग चगाएंगे। तो अभी तो देख सकते हो यार यहाँ पे कोई भी पतंग नहीं चग रही है आसमान में। मैं और प्रणव ही चगा रहे थे और प्रणव ने भी अपनी पतंग उतार दी। क्यों उतार दी तूने? ओके तो वहाँ से प्रणव से चगा रहा है, तो हम सब लोग एक दूसरे के साथ पेज लड़ाएंगे। और प्रणव इधर से चगा रहा है, मैं इस तरफ से चगा रहा हूँ, मैं और नीनू यहाँ पे है। क्यों नीनू? नीनू हेलो गाइस कह दो। लड़की देख सकते हो भाई ये क्या कर रही है मेरी पतंग से। भाई मेरी पतंग फाड़ डालेगी लड़की पूरी तरीके से। सो गाइस अभी अपन लोग पतंग चगा रहे हैं मस्त वाली देख सकते हो भैया। ओके मैं और नीनू यहाँ पे, देखो नीनू तू क्या कर रही है, पतंग दिखा दो हमारे ऑडियंस को। गाइस को पतंग दिखा दो। ये देखो गाइस, अरे तेरा मुंह तो देखने दे। ये ले। पूरा मुंह ढक गया इसका भाई, ये देखो पूरा मुंह ढक दिया। पतंग तो दिखा भाई, अपना मुंह तो दिखा, चेहरा तो दिखा तेरा। ये देखो ये लड़की पागल लड़की अभी चगा रही है पतंग हमारी चाइना डोरी पे। ओके तो यार देखो, अरे फट जाएगी मेरी बहन, ऐसा मत कर यार, पतंग फाड़ रही है लड़की फोकट में। गाइस ये देख सकते हो इसको रिया ने तोड़ दिया इस तरफ का पूरा। ये पड़ गया था तो ये इसका ढक्कन। चल झूठी झूठी लड़की, तूने तोड़ा है, तूने तोड़ा है। और वहां पे देख सकते हो प्रांसु एक्सपोज मुकई। अरे ये उन्हीं गाड़ी। गाइस देख सकते हो इसको हमने कर दिया है फिट। ओके चलो गाइस इधर हमें ओहो। तो गाइस अभी देख सकते हो प्रणव भी इस तरफ आ चुका है और इसकी फील की देख सकते हो पूरी खत्म कर दी इसने, और वो वाली हम दोनों की। ओके तो अभी हम लोग मस्त वाली पतंग चगा रहे हैं। ये देख सकते हो मेरी पतंग चगाने आ गया ये चोर, देख सकते हो भाई। गाइस मैंने पतंग चगाई नहीं, मैं किनार बांधी और ये चगाने आ गया भाई। तो चलो उन लोगों की पतंग काटते हैं भाई मस्त वाली। ओके तो चलो ये रिया देख सकते हो, रिया तो क्या कर रही है, रिया तो क्या कर रही है, रिया अरे मेरी बात देखना इस तरफ क्या कर रही तू। चल चगे आलू, चलो चलो गाइस चगाते हैं फटाफट। फाइनली गाइस ये पतंग चगा रहे, देखो गाइस, और उसकी हमें पतंग काट डाल लीजिए। अपनी पतंग तो कट चुकी है प्रणव की वजह से। अरे मेरी वजह से काट। तो गाइस ये रिया ने मेरी पतंग कटवा दी, मैंने कटवा दी, ये रही पहली पतंग थी ये देखो। सो गाइस हमारी, सो गाइस मेरी पतंग कट चुकी है। ओके हम दोनों की पतंग कट चुकी है भाई, क्योंकि यार पता ही नहीं चला कैसे पेज लग गया भाई एकदम से गई। तो कोई बात नहीं, अभी मैं और नीनू, नीनू उत्तरायण आने वाली है तो तू पतंग चगाएगी गुब्बारे गुब्बारे उड़ाऊंगी मैं। ओहो तो रिया गुब्बारे उड़ाने वाली है देख सकते हो भैया। सो यार देखो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही पतंग चग रही है और कटके भी इतनी ज्यादा आ रही है। ओके गाइस ये देख सकते हो पतंगे लूटने की बात कर रहा है ये भाई।
क्या करना है तुझे? पतंग नहीं है इसलिए। इसके पास पतंग नहीं है, पर कल हमारी पतंगें, कल हमारी एक अंदर पड़ी है। जा गाइस, रिया को चोट लगी, देखते हैं कहाँ लगी है। कहीं वाग्यू अके वाग्यू से, अके वाग्यू से तने वाला। अब कसू वाग्यू नहीं है, चलने आवा झूठी। अरे ली झूठी। सो गाइस, फाइनली हमारी पतंग तो कट चुकी है भाई, तो मतलब उतरा हुआ मुंह लेके हम वापस आ चुके हैं नीचे। तो अभी फाइनली रिया देख सकते हो क्या कर रही हो के। तो अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करते लेट्स गो भाई। मम्मी वापस, मैं आपको बता दूँ 20 तारीख को फाइनली कुछ स्पेशल दिन है। ओके, वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी देख के पता चल ही जाने वाला है, और मैं आपको बता ही देता हूँ। वैसे तो 20 तारीख को मेरी बर्थडे है। ओके, इस 20 तारीख को कुछ स्पेशल करेंगे बर्थडे के दिनों के, तो कुछ इस तरह सीन है भाई। तो अभी कैलेंडर देखते देखते मतलब मेरे को ऐसे याद आ गया था। आपको कैसा महसूस हो रहा है पतंग लूटने के बाद बारे में, अब हमें अनुभव जनाइए भाई। चलो आप एक मिनट, चलो आपका अनुभव जनाइए पतंगे लूटने का, कैसा अनुभव रहता है भाई? पतंग लूटने का बहुत अलग तरीका है, पर आप भी लूट के देखिए कैसे महसूस होता है। गाइस, प्रणव ऐसा कह रहा है कि पतंगे लूटने का अनुभव चाहिए ना, तो खुद ही पतंग लूट के देख लो भैया। एक बार पतंग लूटोगे ना तो आपको महसूस हो जाएगा कि कैसा लगता है, कैसा फील होता है। ओके, तो एक बार ट्राई करना भाई। गाइस देख सकते हो मेरी सीट पूरी मतलब यहाँ से टूट चुकी थी, तो मैंने एक ऐसा देसी जुगाड़ कर दिया यहाँ पर सीट का। ओके, तो ये मेरी साइकिल है। हेलो गाइस, सो हाँ उत्तरायण ना ना ये बनाओ जो ममरा खाली। आज ममरे खत्म हो गए गाइस, और अभी बाजार में जाना है इस पैंट को चेंज करवाने। ये हैनी का पैंट देख सकते हो, तो आज पापा खाना बनाएंगे। चलो तो पापा पूजा कर रहे भगवान जी की, तो उनको करने देते हैं, हम लोग बाजार में जाके आते हैं। गाइस देख सकते हो हमारे भगवान जी, हमारे माता जी यहाँ पे बैठे हुए, तो उनसे हम प्रार्थना कर लेते हैं। चलो गाइस बाजार में चलते हैं पेंट चेंज करवाने के लिए पापा की। गाइस टाइम देख सकते हो अभी 6:30 बजे, 7:30 बज चुके 6:30। ओके, यही बाइक ले लेते भाई, यही वाली। बाजार, अरे चाबी फंस गई है। तब भी हम लोग बाजार में आए थे हैनी का कपड़े चेंज करवाने के लिए, और देख सकते हो बाजार का कुछ व्यू इस तरीके का भाई आज। और गाइस शाम को हम लोग पतंगे बतंगे देख लेने आएंगे, तो देखते हैं कैसा सीन होता है। ओके, मज़ा आएगा भाई। देख सकते हो रिया क्या कर रही है, हम उससे पूछते हैं रिया तुम क्या कर रही हो, रिया तुम क्या करती, रिया तुम क्या करती। तो गाइस रिया को खेलने देते, चलो। तो गाइस आज के ब्लॉग चलिए। हेलो डैडी गाइस, तो हम क्या खेलने जाते हैं, तो चलो हम लोग को खाते हैं।